तो जो देश का माहौल है अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ माहौल नहीं रह गया। भारत में मुसलमानों को लेकर लगातार बयान सामने आते रहते हैं, कभी उनकी सुरक्षा की बात होती है तो कभी कुछ और। इस बार बिहार के एक नेता का बयान चर्चा में है। आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वो साफ तौर पर अपनी बातों में कह रहे हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है। माहौल नहीं रह गया, जो देश का माहौल है अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये वीडियो 17 दिसंबर का बताया जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमने अपने बेटा बेटी को कहा है कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया है कि तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से ये बात आदमी अपने बच्चों को कहेगा कि अपनी मातृभूमि को छोड़ दो, ये दौर आ गया है। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन अपनी मातृभूमि को छोड़ दे, ये दौर आ गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बेटी है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पास आउट है। देश का जो माहौल है, ऐसे में हमने अपने बेटा बेटी को कहा है कि उधर ही नौकरी कर लो, अगर नागरिकता भी मिले तो ले लेना। अब भारत में माहौल नहीं रह गया है, पता नहीं तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। मेरा एक बेटा है और एक बेटी, बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। वह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद और करीबी माने जाते हैं। आरजेडी में मुस्लिम यादव समीकरण के एम फैक्टर का सारा दारोमदार सिद्दीकी पर ही है, साथ ही 2010 में वह नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो जो देश का माहौल है अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। माहौल नहीं रह गया।